हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अथर द्विवेदी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए, आज हम आपको पूरा मेट्रो का सफ़र दिखाते हैं कि पहले बर्डी जाएंगे, बर्डी से दूसरे रूट की तरफ जा रहे हैं चितरौली साइड टेलीफोन एक्सचेंज। तो चलिए, हम वहाँ का पूरा आपको नज़ारा आज दिखाते हैं इस अपने वीडियो में। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइस, आज हम लेके चलते हैं आप सबको टेलीफोन एक्सचेंज मेट्रो स्टेशन, और वहाँ तक आपको आज सफ़र कराते हैं मेट्रो स्टेशन मेट्रो ट्रेन में, और कैसा है नज़ारा वहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं। चलिए गाइस, फिर thank you.
गाइस हम लोग उतर चुके हैं वर्डी, इसको सीता वर्डी बोलते हैं। और यहाँ से ही हर रूट के लिए यहाँ पे ट्रेन चेंज करना पड़ता है। अगर हमको बंशी नगर जाना है तो बंशी नगर के लिए भी यहाँ से स्टेशन से चेंज करना पड़ता है। और अगर हम अभी आज हम तो जा रहे हैं टेलीफोन एक्सचेंज साइड चितरौली, उसके पहले एक स्टेशन पड़ता है चितरौली स्टेशन, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। और गाइस सबसे मैंने ये बताते हैं कि ये पट्टी किस लिए बनी रहती है, येलो पट्टी। एक्चुअली में गाइस ये येलो पट्टी ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधे लोगों के चलने के लिए बनाई जाती है, कि जिससे वो इजीली इसमें से चढ़ सके उतर सके, इसलिए ऐसी ये पट्टी बनाई जाती है। तो चलिए गाइस अब यहाँ से हमको दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर में जाना है, प्लेटफॉर्म नंबर 2, वहाँ से हमारे स्टेशन के लिए गाड़ी हमको मिलेगी। तो हम वहाँ से फिर जाएंगे चितरौली रेल मेट्रो स्टेशन, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज के पहले जस्ट पहले ही पड़ता है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं वहाँ पर, बैठते हैं आप अपने प्लेटफार्म नंबर 2 पे जाके। और गाइस प्लेटफार्म नंबर 2 में जाने के लिए सिर्फ ओनली लिफ्ट है यहाँ पे, और सीढ़ियाँ नहीं है चढ़ने के लिए यहाँ पे, तो लिफ्ट से ही हम लोग चलते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। Thank you.
फाइनली हम लोग को जहाँ जाना था चितारोली मेट्रो स्टेशन वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से इतवारी होलसेल मार्केट बहुत पास पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने ये रूट चुना। और ये देखिए यहाँ पे मंडप बिक रहे हैं, गणपति जी के मंडप है ये, क्योंकि जैसे यहाँ पे अभी गणेश चतुर्थी है और गणपति जी की स्थापना बहुत अच्छे से यहाँ पे की जाती है, और महाराष्ट्र में तो ऐसे भी मनाया जाता है गणपति उत्सव, तो इसीलिए ये मंडप यहाँ पे सजाए गए हैं बेचने के लिए। यहाँ पे पूरा मंडप का कलेक्शन है। तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।